हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री ब्लॉग। और मैं हूँ जयश्री। स्वागत है आप लोगों का एक और नई ब्लॉग पर। बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और पास में छोटा सा नोटिफिकेशन बेल होगा उसे भी हिट कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं करीबन 10। मैंने अभी तक घर का कोई भी काम नहीं किया है, अभी से काम में स्टार्ट कर रही हूँ घर की। ये देखिए, जूता मुता लो या बा, टाटा दे दे, टाटा टाटा। आज की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। घर का काम हो गया है फिनिश। अभी कुछ कपड़े हैं उसे धोने जाना है, फिर नहाऊंगी। बच्चे लोग बम फोड़े हैं, उन लोगों का दिवाली अब तक ख़त्म नहीं हुई है। सो गाइस, मैं कपड़े पे धो के नहा के आ गई हूँ। मैं खाना बनाने जाऊँगी, खाना बनाना है। और आज है छठ पूजा, शायद शाम को छठ घाट में जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जाने का तो मन है। फिर देखती हूँ जाती हूँ या नहीं। अभी जाऊंगी खाना बनाने। चलिए रसोई में चलते हैं। दाल चढ़ा दिया है, अभी काटूंगी बांधा को भी, वो जो ये वाली, ये मतलब एक पीस बची है, पिछला मैंने बना लिया था, आज यही बनाऊंगी। और कुछ भी नहीं है क्योंकि संडे को घर में कुछ नहीं रहता है, तो यही बनाऊंगी अभी। तो इससे मैं फिलहाल काट वाट के रेडी कर लेती हूँ। मैं इसे सुला लेती हूँ, उसके बाद जाकर भाजी बिठाऊंगी जो मैंने काट के रखी थी। हे गाइस, गुड इवनिंग। बाबू को सुलाने के चक्कर में मैं कुछ भी सो गई थी, मैंने आज खाना भी नहीं खाया है। तो अभी मैं हम लोग जाने वाले हैं छठ पूजा के वहाँ, छठ घाट के वहाँ। तो मैं रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं रेडी होकर फटाफट आ गई थी, मतलब बहुत देर हो गई थी, तो इसलिए मैंने आप लोग से बात करना मैं भूल गई। मैं डायरेक्ट यहाँ आकर वापस से शूट कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारे लोग हैं, मतलब ये एंट्रेंस है मंदिर के, यहाँ वो रहा मंदिर जो पूरी लाइटिंग से जगमगा रहा है, और ये रास्ता, और यहाँ पर मतलब प्रोग्राम चल रहा था। तो मैंने यहाँ से दिया लिया तो, और जो मेरी बहन थी वो भी गई थी, तो मैंने दिया लेकर कुछ देर मैंने वहाँ पर वेट किया, क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो मैंने कुछ देर वहाँ पर वेट किया। फिर जाके हम लोगों ने दिया जलाया। यह देखिए, यहाँ पर मतलब दिया जलने का
इंतज़ाम यहाँ पर किया है बाहर, मतलब ताकि किसी को हर्ट ना हो या मतलब कोई दुर्घटना ना घटे। उसके बाद हम लोग चले गए मंदिर के अंदर। ये रहा मंदिर के जाने का रास्ता, बहुत सुंदर सजाया है गाइस, बहुत अच्छा लगा था। इस बार मतलब 2 साल बाद ऐसे बड़ा करके इस बार छठ पूजा हुआ था, कोरोना की वजह से तो इतना अच्छे से 2 साल नहीं हुआ था। ये रहा मंदिर के अंदर, और वो रहा मतलब सूर्यदेव, सूर्य भगवान यहाँ पर स्थापित है, मतलब पत्थर से नहीं सीमेंट से बनाया हुआ है ये। और उस तरफ यहाँ पर उस साइड में है शिव जी जो अपने पूरे परिवार के साथ है। ये देखिए यहाँ पर अपने शिव जी पूरे परिवार के साथ है, और ये दोनों मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। हर सोमवार यहाँ पर शिव जी की पूजा होती है, सूर्यदेव की पूजा होती है। तो वहाँ से निकल कर हम लोगों ने घाट घूमना शुरू कर दिया। मतलब घाट पर तो जो भी लोग थे वो लोग तो चले गए, मतलब जो भी पूजा करने आए थे वो लोग तो चले गए, शाम के घाट पूजा करके चले गए। यहाँ पर देखे थे दिया हुआ है, दिया चलाया कर गए थे। ये देखिए मैं पता नहीं, मुझे पता नहीं इस जगह को क्या बोलते हैं, पर जब सब लोग रहते हैं ना ये जगह बहुत अच्छा लगता है देखने में। हम लोगों को तो आने में बहुत देर हो गई थी। ये पूरे ऐसे इस साइड के, मतलब हम लोग तो बंगाली में बेदी बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, मतलब पूरे घाट में ऐसा बेदी बना हुआ है और यहीं पर पूजा होती है। अगर सुबह आ सकी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, या नहीं आ सकी तो बस नहीं दिखा पाऊंगी। देखिए उतवाई वहाँ तक पूरा सब बना हुआ है। यहाँ पर ही पूजा हुई थी, सब लोग आकर यहीं पर। देखिए हर एक वेदी में मतलब दिया जला हुआ है, घट रखा हुआ है, गन्ना ये सब है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो वहाँ से हम देखिए मंदिर के पीछे साइड है एक साइड है। अभी आई हूँ, मैंने अपने लिए एक इयर रिंग्स ली है, मैं आपको देखकर दिखाती हूँ। ये वाली इयर रिंग मैंने ली है, बाबू के लिए पॉपकॉर्न लिया है, मतलब वो कॉटन कैंडी वो लिया है मैंने अपने लिए, ये वाली झुमके ली है, मुझे बहुत पसंद आई। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, मुझे बहुत पसंद आई है। देखिए अभी मैं कपड़े बदल लेती हूँ, फिर बाबू को खिला लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस मैंने बाबू को खिला लिया है, उसे मतलब सुलाना है, बहुत रात हो गई है। तो गाइस आज का वीडियो इतना तक ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।